कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कहीं लिंगायत को लेकर हवा चल रही है तो कहीं मोदी मैजिक को लेकर के ये चुनाव वाकई देश की राजनीति में बड़ा अहम रोल निभा रहा है। यही से साबित होगा कि लोगों में मोदी मैजिक का कुछ मैजिक बचा है या फिर लिंगायत धर्म को अलग धर्म का दर्जा देने वाले कांग्रेस की पकड़ अब देश की राजनीति में दोबारा पैर पसार रही है। ये कह पाना उतना ही मुश्किल है क्योंकि अब कांग्रेस सिर्फ दो बड़े राज्यों कर्नाटक और पंजाब में ही सत्ता में रह गई है और अगर वो खुद का अस्तित्व बचाए रखना चाहती है तो उसके लिए जीतना जरूरी है। कांग्रेस एक ऐतिहासिक पार्टी है, अगर वो कर्नाटक में हार गई तो कांग्रेस अपने हाथों अपने सूरज डुबाने में मानी जाएगी। कर्नाटक की लड़ाई भाजपा के लिए साख की लड़ाई है तो वहीं कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने की भी, और साल के अंत में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। अगर कर्नाटक में कांग्रेस अपना किला नहीं बचा पाई तो साफ है कि वो अपने आने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन शायद ही कर पाए। खैर ये तो आने वाला वक्त यानी कि 15 मई को साबित हो जाए कि कांग्रेस या मोदी किसकी लहर कर्नाटक राज्य में जारी है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।